वेल हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्यों वार्डन ओवरवर्ल्ड को तबाह करने वाला है, क्या है इन विलेजर्स का असली सच, क्यों सोल सैंड पे चलने पर हम बिल्कुल स्लो पड़ जाते हैं, क्या है माइनक्राफ्ट के ऐसे राज जो आज तक हम पता नहीं लगा पाए, आज की वीडियो में जानेंगे। लेट्स बिगिन। धूप, स्नो, थंडरस्टॉर्म, रेन। रेन माइनक्राफ्ट में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। रेन आने पर विलेजर्स अपने घर में चले जाते हैं, वुल्फ अपने आप को बारिश में भिगाते हुए दिख जाएंगे, खाली कोल्ड्रन भी यहाँ पे पानी से भर जाते हैं रेन के अंदर, एंड प्लेयर भी अपने ट्राइडेंट से रेन के सही वाले मजे लेता है। लेकिन क्या कभी आपने ब्लड रेन के बारे में सुना है? एक ऐसी रेन जिसमें रेड कलर का ब्लड बरसता है एंड जिसके ऊपर भी इसकी बूंदे गिरती है वो एकदम कष्ट हो जाता है एंड फिर उसकी हरकतें देखने लायक होती है। जो भी मॉब इस बारिश में बाहर निकलता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, इवन जो पानी के अंदर मॉब रहते हैं वो भी यहाँ पे मर जाते हैं। किसी क्रॉप के ऊपर अगर ये रेन गिर जाती है तो पूरी क्रॉप यहाँ पे बर्बाद हो जाती है एंड इवन इस खतरनाक रेन से कोल्ड्रन भी नहीं भरते हैं। और इवन ये ब्लड रेन सिर्फ ओवरवर्ल्ड में नहीं बल्कि यहाँ पे नेदर में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, बल्कि कुछ लोग तो उसको नेदर रेन भी कहते हैं। लेकिन यार सच बताऊं तो मुझे अपनी नॉर्मल वाली रेन ही काफी ज्यादा पसंद है। मस्त किनारे पे बैठ के यार फिशिंग कर लो, और क्या ही चाहिए आपको। तो क्या वार्डन नेदर से भागा हुआ मॉब है एंड क्या वो ओवरवर्ल्ड को तबाह करने आया है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही माइनक्राफ्ट के एक स्नैपशॉट में नेदर में पोर्टल बनाते हैं तो वार्डन भागते हुए सीधा ओवरवर्ल्ड में चला जाता है। उसके रास्ते में भले ही कौन सा भी मॉब आ जाए उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा ओवरवर्ल्ड में चला जाता है। उसको पोर्टल के उस तरफ की सारी चीजें यहाँ पे सेंस होती है, बट वार्डन दिखने में कुछ भी यार नेदर मॉब जैसा बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन जैसे किसी नेदर के मॉब को लावा से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही वार्डन को भी लावा में जला दो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड जो नेदर के अंदर सोल सैंड पर सोल्स बनी होती है वो वार्डन के चेस्ट पे बनी हुई से काफी ज्यादा सिमिलर दिखती है, एंड इवन कुछ वार्डन के ब्लॉक्स नेदर ब्लॉक से काफी ज्यादा सिमिलर दिखते हैं। इवन सोल सैंड एंड स्कल सेम काम करते हैं बिल्कुल। एंड सच बात तो ये, वार्डन को माइनक्राफ्ट एक ब्लाइंड पिगलिन बनाना चाह रहा था जो कि सिर्फ साउंड को ही सेंस कर पाए, एंड इवन क्या पता जो एंजन सिटी में पोर्टल है जहां से ये वार्डन आया है ओवरवर्ल्ड में, अगर उसको हम वापस चलाए तो क्या पता हमें वो सीधा नेदर में लेके जाए। तो अभी मैं माइनक्राफ्ट के एक फॉरेस्ट में घूम रहा हूँ, यहाँ पे देखो कितने सारे ट्रीज है जो कि एकदम शांत खड़े हुए हैं। ऑब्वियसली पेड़ है भाई, शांति खड़े होंगे ना, क्या बात कर रहे हो जय भाई। ओके मैं समझाता हूँ। तो अगर माइनक्राफ्ट में एक बिर्च वाला फॉरेस्ट होता है एंड वहाँ पे कोई एक ओक ट्री उगाने का ट्राई करता है तो क्रीपी पेस्ट के हिसाब से वो पेड़ अपने आप वहाँ से गायब हो जाएगा। तो मैंने सोचा भाई ऐसे कैसे गायब हो जाएगा, वो चलकर ही तो जाएगा ना। मैं आपको समझाता हूँ क्या सीन है नया वर्ल्ड बनाकर, एंड मैंने सिर्फ यहाँ पे बिर्च वाला फॉरेस्ट वाली बायोम चूज करी है। अभी देखो जरा यहाँ पे सिर्फ व्हाइट वाली पेड़ है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे अब नॉर्मल वाला बिल्कुल ओक ट्री उगाने का ट्राई कर रहा हूँ, और क्रीपी पेस्ट के हिसाब से ये पेड़ थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। मतलब वो कुछ इस तरीके से उठेगा और वहाँ से चलता ही बनेगा, शायद ये अपने वाले ट्रीज के पास जाए जो कि बिल्कुल इसके जैसे दिखते हो एंड वहाँ जाकर वापस से नॉर्मल बन जाए। भाई बड़ी अजीब कहानी है, अगर आपको कहीं से भी ये सच लगती है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। माइनक्राफ्ट के अंदर आपसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती है जिससे आप मर जाते हो, जैसे अगर आप मस्त अंधों की तरह माइनिंग कर रहे हो और नीचे लावा आ गया तो जलते हुए खत्म, या फिर आप मस्त प्यारा सा घर बना रहे हो और पीछे से क्रीपर आया और बूम, या फिर माइनक्राफ्ट के अंदर इधर उधर यार कोई ना कोई मॉब मरता ही रहता है। लेकिन एक ऐसी चीज, एक ऐसा आइटम जो कि मरने से आपको बचाता है, द टोटम ऑफ अनडाइंग, जो कि हमें मिलता है सीधा वुडलैंड मेंशन में, वो भी जब हम एक इवोकर को मारते हैं। एंड एक बार टोटम ऑफ अनडाइंग को ध्यान से देखो, क्या ये आपको किसी मॉब की तरह नहीं दिखता है जिसकी ग्रीन कलर की आंखें हो? क्या ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं लग रहा आपको? जब भी विलेज पर रेड होती है इवोकर्स आते हैं, विलेजर्स को मारते हैं एंड उनकी सोल इसी टोटम के अंदर कैद कर देते हैं, जो कि बाद में कोई भी यूज कर सकता है जब भी वो मरने वाला हो। मतलब अगली बार आप जब मरने वाले हो और टोटम यूज करोगे तो उसमें एक विलेजर की लाइफ कैद होगी जो किसी रेड में मर गया था। वेल माइनक्राफ्ट में आपने काफी ज्यादा अजीब सीट्स देखे होंगे, जैसे कि जिसमें बहुत ज्यादा लंबे लंबे कैक्टस हो, या फिर ये ऐसा पिरामिड वाला सीट भी आपने देखा ही होगा। लेकिन मैं आज आपको एकदम स्पेशल वाला सीट बताता हूँ। इस सीट में स्पॉन होते ही आपको सब कुछ यहाँ पे अजीब लगने लगेगा। जैसे कि इन स्ट्रक्चर्स को देख लो जरा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, उसके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते एक और है, ऐसे ये चलता जाएगा। जी हाँ सही समझे आप, ये रिपीटिंग सीट है, एक ऐसा माइनक्राफ्ट का कट सीट जिसमें सारी चीजें यहाँ पे रिपीट होती है। जैसे कि जरा इन पेड़ को देखो कैसे ये रिपीट हो रहे हैं, या फिर इन पानी की लेक्स को देखो ये रिपीट होते जाएंगे, एंड इवन अगर आप जमीन के अंदर भी चले जाते हो तो लावा के लेक्स भी यहाँ पे रिपीट होने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर
अगर आपको एक जगह यहाँ पे डायमंड्स मिल जाते ना, तो उसके सामने अगर आस पास आप खोदोगे तो आपको हजारों डायमंड मिलेंगे। या फिर अगर आपको ज्यादा ही भूख है तो आप नेदर के अंदर चले जाओ, यहाँ तो आपको लिटरली अनलिमिटेड डेब्रीज मिलने वाली है। एंड अगर आप इवन जाते हो सीधा एंड डायमेंशन में, तो यहाँ पे आपको एक जैसे दिखने वाले हजारों आइलैंड्स दिख जाएंगे। बहुत यार कर्ज वाला सीट है सच में ये। तो क्या आपको पता है कि माइनक्राफ्ट में आप गायब भी हो सकते हो? ओके, ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल सी चीज है। एंड इवन हम दूसरे मॉब्स को भी मस्त तरीके से गायब कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं माइनक्राफ्ट के अंदर जो कभी गायब नहीं होती है, जैसे कि ये वाला मॉब जिसको आग लगी हुई है, ये कभी गायब नहीं होगा। या फिर वो लामा की कारपेट देखिए, वो कभी गायब नहीं होती। इवन शल्कर का तो पूरा हेड यहाँ पे दिखता रहता है। और कुछ मॉब्स गायब हो जाते हैं लेकिन उनकी आंखें दिखती रहती है। और विदर एंड ड्रैगन पर आप कभी भी इनविजिबिलिटी यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन खैर, आप अपने ऊपर तो यूज कर ही सकते हो और किसी को पता ही नहीं चलेगा। किसी भी मॉब को पेल के आ जाओ, उनको घंटा पता लगने वाला। लेकिन एक ऐसा मॉब है जिसको तुरंत पता लग जाता है, रैबिट। रैबिट को भाई दूर से पता चल जाता है एंड वो भाग भी लेता है। एंड इसका कारण है ये किलर बनी, माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा छोटू और खतरनाक से मॉब। इसके सामने आप कोई भी आर्मर पहन के चले जाओ या इनविजिबल होकर भी चले जाओ, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा डैमेज देता है ये आपको। पता नहीं यार माइनक्राफ्ट में इसको क्यों ही डाला है। इससे अच्छा तो अपना नॉर्मल रैबिट है, मस्त मारो इसको, उसका फुट निकालो और पका के खा लो। एक विलेज के अंदर काफी सारे विलेजर्स होते हैं। कुछ यहाँ पे फार्मर बन के घूमते हैं तो कुछ यहाँ पे पूरे दिन सोते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एकदम अनोखे विलेजर के बारे में बताता हूँ जो सबसे ज्यादा यहाँ पे अलग है। इस विलेजर को आप कोई भी काम दे दो, कुछ नहीं करेगा ये। एंड इवन कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यही विलेजर जाके बाद में एक वांडरिंग ट्रेडर बन जाता है। इसके पीछे की थ्योरी मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो किसी एक पुराने टाइम में एक प्यारा सा विलेज हुआ करता था। एंड उस विलेज में एक निटविट नाम का विलेजर रहता था जिसको कुछ भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने फार्मिंग करके देख लिया, उसको कुछ मजा नहीं आया। इवन वो लाइब्रेरियन भी बन गया था लेकिन इसको पूरे विलेज के बारे में कुछ परवाह नहीं थी, किसी चीज से इसको मतलब नहीं था। इसलिए जब वो बड़ा हुआ उसको विलेजर्स ने विलेज से ही भगा दिया और बदले की आग में वो सीधा जाके पहुंचा एक विच के पास। एंड विच ने उस पर जादू करके उसको एक वांडरिंग ट्रेडर बना दिया। एक ऐसा वांडरिंग ट्रेडर जो विच की तरह पोशन यूज कर सकता है। एंड इवन इसके अंदर वाले कपड़े भी बिल्कुल निटविट जैसे दिखते हैं। अब ये पूरे वर्ल्ड में घूमता घूमता सिर्फ ट्रेड करेगा। एंड इवन इसको माउंटेन्स पे भी दो लामा मिल जाते हैं। एंड अब इसका ये बिल्कुल फेवरेट काम बन चुका था। ये है माइनक्राफ्ट के कुछ ब्लॉक्स। माइनक्राफ्ट में यार काफी सारे ब्लॉक्स होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा रेयर तो कुछ जिसमें से लाइट निकलती है। लेकिन एक ये ब्लॉक मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, जो दिखने में काफी ज्यादा अलग होता है। ये सोल सैंड ब्लॉक, जो कि यार नेदर में पाया जाता है। वैसे तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जिससे आप लिटरली माइनक्राफ्ट का खतरनाक मॉब विदर को स्पॉन करते हैं। लेकिन ये आवाजें, ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती है। ऐसा लगता है इसमें से किसी की रोने की आवाज आ रही है। इवन जब आप इस ब्लॉक को तोड़ते तो इसमें से सोल्स निकल जाती है। लेकिन ये सोल है किसकी? इस पर आप चलते हो तो लिटरली सोल्स आपको स्लो कर देती है। एंड इवन कुछ आपको ब्लू कलर की सोल भी दिख जाएगी निकलते हुए। एंड अगर इस ब्लॉक को भी आप ध्यान से देखोगे तो लिटरली इसके ऊपर साफ साफ ये सोल्स बनी हुई है। और ये है किसकी सोल? वेल, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये सोल हमेशा प्लेयर की हेल्प करती है। जैसे ये प्लेयर को ब्रीथ करने में हेल्प करती है अंडर वाटर, या फिर अगर आप सोल स्पीड की इंचेंटमेंट लगाते हो तो आप इसके ऊपर फुल स्पीड में भाग जाते हो। अब ये क्यों हेल्प करती है हमारी, इसके अंदर किसकी सोल फंसी हुई है, ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन ये एक नॉर्मल ब्लॉक से तो बहुत ज्यादा अलग चीज है। क्रिएटिव, सर्वाइवल एंड हार्डकोर, ये माइनक्राफ्ट के तीन गेम मोड्स होते हैं। क्रिएटिव में आपके पास अंधा सामान होता है, आप कुछ भी बना सकते हैं। एंड सर्वाइवल तो वही नॉर्मल बेसिक सा होता है। एंड हार्डकोर होता है सबसे ज्यादा खतरनाक। इस वर्ल्ड में सब कुछ यहाँ पे हार्ड हो जाता है। एंड एक बार आप इस वर्ल्ड में मर जाते हो तो वापस स्पॉन ही नहीं हो पाओगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर इस वर्ल्ड में प्लेयर ही नहीं रहेगा तो इस वर्ल्ड का क्या होगा? जो उसने वहाँ पे तगड़ा सा घर बनाया होगा उसका क्या होने वाला है? या फिर उसने जो प्यारा सा डॉगी यहाँ पे टेम करा है उसका क्या होगा? तो थ्योरीज के हिसाब से ये सारी चीजें धीरे धीरे गायब होने लग जाएगी। वापिस एक ऐसा वर्ल्ड बन जाएगा जिसमें आज तक कोई भी नहीं आया था, और आपके ही टेम करे हुए मॉब आपको ही भूल जाएंगे और एक नया प्लेयर का इंतजार करेंगे। आपको वैसे कौन सा वर्ल्ड मैच खेलना ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे तो यार और भी माइनक्राफ्ट के काफी सारी सीक्रेट्स है, लेकिन ये वाली वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। फटाफट से वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना।